Hello everyone, hope so that you all are safe at your houses. So now we are going to write the question answers of our last chapter of term 1, and the question answers are here. What is work? Explain with the help of an example. वर्क किसे कह सकते हैं हम लोग? वर्क तब कह सकते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कोई भी डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस पर मूव हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज अ वर्क. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जैसे कि किकिंग अ बॉल और अ फुटबॉल, उसे हम कह सकते हैं कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क टू बी डन. What is a lever? Give two examples. Lever मतलब क्या है? Lever is a simple machine जो एक rod है वो resist कर रहा है किसी एक point पर, और वो हम ठीक है इसे हम लोग which it is मतलब किसी भी एक point पर हम लोग एक rod को resist कर रहा है, ठीक है. Opening the lid of a tin with a spoon, ये भी एक हमारा एग्जाम्पल है लीवर का. और प्लीज़ और प्लस एक कटिंग, हम पेपर को कट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सीजर, ये भी एक एग्जाम्पल है लीवर का. व्हाट आर द सिंपल मशीन्स? तो सिंपल मशीन्स क्या है? वो एक टूल है जो हमारा वर्क ईजियर और फास्टर करते हैं और हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है. नेम फाइव सिंपल मशीन्स विथ वन एग्जाम्पल्स ऑफ द ईच. सबसे पहला सिंपल मशीन लीवर, तो उसका एग्जाम्पल है सीजर. पुली, तो उसमें से क्या होता है कि हम वेल में से पानी बाहर निकालते हैं. व्हील एंड एक्सल, ये दोनों एक सिंपल मशीन्स है. इट्स व्हीकल एंड इंक्लाइंड प्लेन का क्या है? इट्स स्क्रू. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी क्या है? द मेन सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन. सन जो है वो एक मेन सोर्स है, और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में से, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए लीव्स की हेल्प से. और विंड एनर्जी किसे कह सकते हैं? मूविंग एयर को हम विंड एनर्जी कह सकते हैं, और जो एनर्जी विंड में से मिलती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं. इट कैन टर्न विंड मिल्स विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल होते हैं. सो यहाँ पर हमारा जो है ये ख़त्म हो रहा है हमारा टर्म वन का सिलेबस. कल से हम लोग शुरू करेंगे वर्कशीट्स, मतलब कल से हम लोग हमारे जो चार चैप्टर्स है टर्म वन के, उसके हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे. इट विल बी द रिवीजन प्रोपोर्शन ऑफ अवर टर्म वन, और उसके बाद हमारा जो टर्म वन तक का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली एट एनी टाइम. यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.